लारेब मरसिया तो अदब का विकार है ला रहेब मरसिया तो अदब का विकार है और मुल्क सुखन का सबसे बड़ा ताजदार है मुल्क सुखन का सबसे बड़ा ताजदार है जदीद मरसिया पेश कर रहा हूँ जिसका है इबादत और ख़ातून जन्नत खातू जन जन्नत से मुराद है नबी करीम मरसल आज़म हज़रत महमद मुस्तफ़ा सल्लाम की दोखर जनाब फ़ातिमा जहरा सलाम लरसी में उनके फ़ज़ाइल और उनकी मद्सना पेश की गई है लेकिन मरसिए का मरकज़ी ख़याल क़ुरान मजीद की एक मशहूर आय करीमा है खुदा वंद आलम ने इर्शाद फरमाया है कि वमा खल जिन्ने वल इन से एल याबदून इर्शाद फरमाता है कि मैंने जिनों और इंसानों को सिर्फ़ इबादत के लिए पैदा किया है इस आयत की रोशनी में इबादत के सिलसिले में कुछ कहने की कोशिश की गई है चंद तफास जो नज़र से गुजरी उन्होंने मेरे अंदर ये जज्बा पैदा किया कि मैं अपने किसी मरसिए का सरनामा कलाम इस आय करीमा को बनाकर कर मरसिया कहूँ मरसिया पेश कर रहा हूँ कि राह खुदा प हो तो इबादत है ज़िंदगी राह खुदा प हो तो इबादत है ज़िंदगी दिल हो अगर गनी, तो सखावत है ज़िंदगी इंसान शरीफ़ हो तो शराफ़त है ज़िंदगी इंसान शरीफ़ हो तो शराफ़त है ज़िंदगी और मकसद हो गर अजीम तो अजमत है ज़िंदगी मकसद हो गर अजीम तो अज़मत है ज़िंदगी आए हैं जिन्नो इंस इताअत के वास्ते खिलकत हुई है सबकी इबादत के वास्ते हुक्म खुदा से मकसद तखलीक आदमी हुक्म खुदा से मकसद तखलीक आदमी कुछ भी नहीं है सिर्फ़ है खालिक की बंदगी सबसे अहम है एक यही मन एज़दी, यानी इबादतों में बसर हो हर एक की यानी इबादतों में बसर हो हर एक की ये हुक्म वो है जिसमें न कुछ ढील चाहिए ये हुक्म वो है जिसमें न कुछ ढील चाहिए अल्लाह कह रहा है कि तामील चाहिए अल्लाह कह रहा है कि तामील चाहिए खालिक ये चाहता है इबादत करे बशर हर दम इबादतों में हो इंसान का बसर है ये सवाल ऐसे भी हो किस तरह गुज़र हर धर्म इबादतों में हो इंसान का बसर लेकिन है ये सवाल ऐसे भी हो किस तरह गुज़र भाई इंसान की हयात हो दुश्वार किस कदर इंसान की हयात हो दुश्वार किस कदर क्या पहने किस जगह रहे क्या खाए आदमी दीगर ज़रूरतें कहाँ ले जाए आदमी दीगर ज़रूरतें कहाँ ले जाए आदमी इसको तलाश रिस्क भी करनी है लाजमी जिसके बग़ैर चल नहीं सकती ये ज़िंदगी एक दूसरे के काम भी आता है आदमी और हक खुदा के साथ हैं इबाद भी हक खुदा के साथ हैं हकुल है इबाद भी कुछ फ़र्ज ता हयात हैं इंसान के वास्ते और कितनी ज़रूरियात हैं इंसान के वास्ते अल अलमुखसर जो सिर्फ इबादत करे बशर एक दूसरे की कोई न खिदमत करे बशर कोई करे न काम न मेहनत करे बशर पूरी कहाँ से अपनी ज़रूरत करे बशर हो जाए आदमी पा हो जाए आदमी पा एक आज़ार ज़िंदगी हो जाए आदमी पा एक आज़ार ज़िंदगी और फिर हो बशर के वास्ते दुश्वार ज़िंदगी फिर हो बशर के वास्ते दुश्वार ज़िंदगी लेकिन ये हुक्म कैसे सदाकत के हो खिलाफ फितरी जो है बशर की ज़रूरत के हो खिलाफ इंसान की ज़िंदगी की हकीक़त के हो खिलाफ और खालिक का कोई हुक्म भी फितरत के हो खिलाफ खालिक का कोई हुक्म भी फितरत के हो खिलाफ अरे हमने नमाज़ों रोज़ा में मसदूत कर दिया हमने नमाजों रोज़ा में मसदूद कर दिया और मफहम आबदून को महदूद कर दिया और हर इम्तियाज़ जीस्त मिटाती है ये नमाज इंसान को उसका फ़र्ज बताती है ये नमाज दिल में चरागे ज़ुहद जलाती है ये नमाज पाबंद वक्त का भी बनाती है ये नमाज पाबंद वक्त का भी बनाती है ये नमाज पज़मुर्दा ज़िंदगी को जिला बख्शती है ये और बीमार रूह को भी शिफा बख्शती है ये बीमार रूह को भी शफा बख्शती है ये से ख़िताब जिसमें है ये वो सुखन भी है मस्जिद में ये नमाज भी है अंजुमन भी है पाकिजगी रूह भी है और बदन भी है पाकिजगी रूह भी है और बदन भी है बेशक नमाज ही तो तकबुर शिकन भी है बेशक नमाज ही तो तकबुर शिकन भी है सब फ़ायदों से बढ़ के ये एक फ़ायदा भी है सब फ़ायदों से बढ़ के ये एक फ़ायदा भी है इंसान सोच ले कोई सबसे बड़ा भी है आब वज़ू में इसके तहारत का राज है आब वज़ू में इसके तहारत का राज है बेदार सुबह होने में सेहत का राज है बेदार सुबह होने में सेहत का राज है मिलकर अदा करें तो अख़ुत का राज है और इतिहाद कौम का मिलत का राज है और इंसानियत भी जलवा नुमा है नमाज में और सेहत का सेहत का हर उसूल छिपा है नमाज में सेहत का हर उसूल छिपा है नमाज में लेकिन लेकिन नमाज हुसन अकीदत के साथ हो बंदों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ हो बातिन हो साफ दिल की तहारत के साथ हो बातिन हो साफ़ दिल की तहारत के साथ हो और बेहतर ये बात है कि जमात के साथ हो बेहतर ये बात है कि जमात के साथ हो इंसान की वही तो हकीकी नमाज है इंसान की वही तो हकीकी नमाज है जो ज़िंदगी के वास्ते किरदार साज़ है जो ज़िंदगी के वास्ते किरदार साज है और तख्लीक कायनात पैम्बर के वास्ते तखलीक कायनात पैम्बर के वास्ते कायम जहाँ है उनके ही दिल भर के वास्ते और क्या क्या, क्या शरफ़ हैं फ़ात खैबर के वास्ते ओ मजबूर आफ्ताब है हैदर के वास्ते मजबूर आफ्ताब है हैदर के वास्ते एक ख़ास मोज़ा भी दिखाएगी ये नमाज एक ख़ास मोजिजा भी दिखाएगी ये नमाज पलटा के आफताब को लाएगी ये नमाज पलटा के आफताब को लाएगी ये नमाज ये है नमाज है दर सफ़दर का मरतबा ऐसी नमाज दीन की जिससे हुई बका ये तो शरफ़ जहाँ में किसी को न मिल सका ये तो शरफ़ जहां में किसी को न मिल सका यानी नमाज ऐसे मुसल्ले पकी अदा यानी नमाज ऐसे मुसल्ले पकी अदा कि सदियों से भी अहम है वो एक पल बतूल का सदियों से भी अहम है वो एक पल बतूल का और हैदर की जान नमाज है आंचल बतूल का हैदर की जहाँ नमाज है आंचल बतूल का दुनिया को जब नमाज सिखाएंगी फ़ातिमा दुनिया को जब नमाज सिखाएंगी फ़ातिमा पिन्हा जो राज हैं वो बताएंगी फ़ातिमा एजाज़ इस तरह से दिखाएंगी फ़ातिमा के बहरे दुआ जो हाथ उठाएंगी फ़ातिमा इसमत की जब जुबान पा आएगी ये नमाज इस्मत की जब जुबान पा आएगी ये नमाज मुर्दा दुल्हन को फिर से जिलाएगी ये नमाज मुर्दा दुल्हन को फिर से जिलाएगी ये नमाज यानी बुतूल वो जो दिल फ़्र मुरसली जो तरबियत में अहमद मुख्तार की पली इसमत कदे के वास्ते खातून इसमत कदे के वास्ते ख़ुन अवली और रन को अली चले तो मुसल ये चली रन को अली चले तो मुसल ये चली हर फतह को दुआओं से आसान कर दिया हर फतह को दुआओं से आसान कर दिया और तारीख़ साज़ दीन पर एहसान कर दिया ये दुख तर रसूल हैं सीरत में बे मिसाल और आलम निसा की हिदायत में बे मिसाल मरियम भी हैं गवाह के इसमत में बे मिसाल और क़ुरान कह रहा है तहारत में बे मिसाल क़ुरान कह रहा है तहारत में बे मिसाल एक इसमतों का मरकज़ महवर हैं फ़ातिमा एक किस्मतों का मरकज व महवर हैं फ़ातिमा और फा गवा हैं कि मुताहर हैं फ़ातिमा फिजा गवाह हैं कि मतहर हैं फ़ातिमा गर ये नह नबी की नबोवत हो किस तरह गर ये नो अली की रफ़ाकत हो किस तरह और आलम नसा की हिदायत हो किस तरह और आलम नशा की हिदायत हो किस तरह उनके लिए नमून सीरत हो किस तरह उनके लिए नमून सीरत हो किस तरह उम्मा जजव रसालत हैं फ़ातिमा उम्मा जजव रसालत हैं फ़ातिमा और दीन रसूल तेरी ज़रूरत हैं फ़ातिमा दीने रसूल तेरी ज़रूरत हैं फ़ातिमा महमूद हमीदो जहरा बतूल हैं महमूद वो हमीदो जहरा बतूल हैं ये गुलशन रसूल का बेमिसल फूल हैं और आइने जिंदगी का मुकमल उसूल हैं और हाँ औरतों की बज़्म में बेशक रसूल हैं हाँ औरतों की बजम में बेशक रसूल हैं इनके बगैर कार नबी ना तमाम हैं इनके बग़ैर कार नबी ना तमाम हैं ये निसफ काय नात की तन्हा इमाम हैं ये नसफ़ काय नात की तन्हा इमाम हैं आदम को फ़ख्र आदम को फख्र वो बनी आदम है फातिमा कुल आलम नसा में मुअज़्ज़म है फातिमा सारा का फख्र नाजिश मरियम है फ़ातिमा बजम नसा में बजम नसा में मुरसले आज़म है फ़ातिमा आया रिदा की शान में आया कहीं नहीं आया रिदा की शान में आया कहीं नहीं ओ पेवंद हैं ज़रूर पद कहीं नहीं आया रिधा किशान में आया कहीं नहीं पेवंद हैं ज़रूर पद कहीं नहीं ओ मर्जिय हो झकी हो जहराओ ज़िया सिद्दीक हो रज़िय हो राज़िया मासूमओ मुज़माओ फ हासी मसऊद ओ सादो सैदा अरे आयन है जमाल मोहम्मद हैं फ़ातिमा खल के काय नात का मकसद हैं फ़ातिमा आयीन आए जमाल मोहम्मद हैं फ़ातिमा खलाक कायनात नात का मकसद हैं फ़ातिमा और तारीख हयात में मशल हैं फ़ा कुल औरतों से दहर की अफजल हैं फ़ातमा हर हर उ नसा के लिए हल हैं फ़ातिमा हर उद नसा के लिए हल हैं फ़ातिमा और कुल मेहनतों का बाप की एक फल हैं फ़ातिमा कुल मेहनतों का बाप की एक फल हैं फ़ातिमा बशर की जान हैं, इस दर्जा नेक हैं बशर की जान हैं, इस दर्जा नेक हैं और ये औरतों के वास्ते चौदह में एक हैं ये औरतों के वास्ते चौदह में एक हैं और फिजा कनीज ख़ास को इस तरह घर रखा फिज़ा कनीज़ खास को इस तरह घर रखा जिसकी नहीं मिसाल वो उनसे सुलूक था घर के तमाम काम को तकसीम कर लिया और शहज़ादियों कनीस का हर एक मसला जहरा ने हर मुकाम पा आसान कर दिया जहरा ने हर मुकाम पा आसान कर दिया जो फ़र्क वम्तियाज़ था बेजान कर दिया जिनकी नहीं मिसाल मिले ऐसे नूर हैन सरदार खुल कल कल्ब रसूल खुदा का चैन एक लाल सुलहो अमन की मसनत की जैबो जैन देकर खुदा के दी के लिए ज़ैनबो हुसैन देकर खुदा के दी के लिए ज़ैनबो हुसैन इस्लाम की हयात का सामान कर दिया इस्लाम की हयात का सामान कर दिया और सबसे बड़ा ये दीन पर एहसान कर दिया सबसे बड़ा ये दीन पर एहसान कर दिया राह अमल में थी ये शरी के अबूत तुराब खल्ला के दो जहाँ किया इनका इंतखाब हैदर का रोब चेहरा जहरा की है नकाब और काबे में जिसका ला नहीं पाया कोई जवाब काबे में जिसका ला नहीं पाया कोई जवाब हर तरह इंतखाब हैं चीदा हैं फ़ातिमा हर तरह इंतखाब हैं चीदा हैं फ़ातिमा और क़ुरान पाक का वो कसीदा हैं फ़ातिमा और ख़ातून खुद आलम निस्वां की राह भर था जिस रे सितारा वो तेरा दर औलाद वो जो दीने पैम्बर की चारागर औलाद वो जो दीने पैम्बर की चारागर और यह परवरिश का था तेरी आगोश की असर यह परवरिश का था तेरी आगोश का असर के बच्चों को बच्चों को अपने बोलता क़ुरान कर दिया और दी पर जो वक्त आया तो क़ुरबान कर दिया दी पर जो वक्त आया तो क़ुरबान कर दिया वो फ़्र अम्बिया वो दिलो जान मुस्तफा वो फ़्र अम्बिया वो दिलो जान मुस्तफा भाई जिस पर हुई है रनजम मसाइब की इंतहा अरे हर गम्पा जिसके हिलने लगा दश्ते करवला यानी हुसैन इबन अली दीन का रहनुमा एक ताज वक्त को बेताज कर गया एक ताज वक्त को बेताज कर गया और बैत के वास्ते उसे मोहताज कर गया और लाशे पिसर पर शिक्र का सजदा अदा किया इस सब्र पर जमीन हिली आसमां हिला लेकिन नमाज खालिक अकबर न की कजा अरे उस वक्त तक के आई उस वक्त तक के आई न जब तक इन्हें कजा और ऐसी नमाज पढ़ के चले काय नात से कि जोड़े रखा नमाज का रिश्ता हयात से और मसरूफ़ शुक्र हक रहे इस तरह से इमाम सजदे में सर है और है लपर खुदा का नाम तिर आ रहे हैं जितने भी सुए शहे अनाम तिर आ रहे हैं जितने भी सुए शहे अनाम अरे वो तीर क्या हैं बल्कि शहादत हैं वो जाम वो जख़्म हैं जिन से बदन चूर चूर है वो ज़ख़्म हैं कि जिन से बदन चूर चूर है और जुल्मत में अब घिरा हुआ खालिक का नूर है इस तरह से नमाज अदा की इमाम ने और हक्कीों बुलंद सदा की इमाम ने नेमत्त के वास्ते भी दुआ की इमाम ने कुछ गम किया न आहो की इमाम ने सर दे दिया हुसैन ने खालिक की राह में इस तरह से नमाज पढ़ी कतलगा में वो पहुँची ख़बर जो खेमों में कोहराम मच गया हर सिम आ रही थी सदा वाह मुसीबता कर बो बला के दश्त में एक हशर था बपा अब क्या हमारा होगा ये बच्चों की थी सदा अब क्या हमारा होगा ये बच्चों की थी सदा हम जाएंगे कहाँ पा खुदा हाय क्या हुआ हम जाएंगे कहाँ पा खुदा हाय क्या हुआ और खेमों में थी आहो बका हाय क्या हुआ इस गम पर रोए अहले फलक इस गम पर रोए अहले फलक आसमां हिला पहुँची खबर जहाँ पर भी हर इन सहा हिला कुरान हुआ उदास खुदा का मका हिला और कुल कायनात रोपड़ी सारा जहाँ हिला अरे कोसार का कलेजा भी फट फट के रह गया और दिल पूरी काय नात का कट कट के रह गया रब नमाज अहमद मुख्तार के तुफैल रब नमाज हैदर करार के तुफैल रब नमाज जाफर तैयार के तुफैल और यार अब नमाज आबिद बीमार के तुफैल सब मोमिनी नमाज की जानिब रुजू हो मसरूफ़ याद हक़ बख़ुजू वो खुशू हो करता है अब खुदा से दुआ बस यही अजीम फूले फले जहान में बेटी मेरी ईम सब कुछ ही उसको बख्श के तू है बड़ा करीम और उम्र भर वो चलती रहे राह मुस्तकीम पेशे नज़र हो अजमतो में आरे फातिमा और हो जाए अक्से सरतो किरदार फातिमा